एक ही संघ जो है ना आंदोलन से निकले हुए नेता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी अपना मनभेद दूर करके, क्योंकि ये बात चिराग पासवान जी की नहीं थी, ये बात स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी, तो ये नीतीश कुमार जी ने अपना चरित्र चित्रण दिया है। अगर वाकई में बीजेपी का संबंध या अभी भी वो उनको एनडीए का हिस्सा मानते हैं, तो भाई खुले दिल से क्यों नहीं आप खुले रूप से इसको स्वीकार करते हैं, ताकि नीतीश जी के भी मन में जो शंका है वो शंका भी दूर हो जाएगी। एनडीए में कुछ भी शुरू से अच्छा नहीं है। आप जब से इन्होंने सरकार बनाया है, जिन वादों को लेके, जिन एजेंडों को लेकर के ये बिहार की जनता के बीच में गए थे, क्या किसी एजेंडे को, किसी वादे को ये पूरा कर पाया? ये सरकार जो है अस्थाई नहीं है, ये कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान पे संकट आई है, अगर कोई मदद के लिए खड़ा रहा है तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, और इसी बार मार्फत उन्होंने उनको राज्यसभा में पहुंचाने का भी काम किया था। और अभी भी जबकि तमाम लोगों ने चिराग जी का साथ छोड़ा, तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने हमेशा ही उनका साथ देने का काम किया। कल रामविलास पासवान जी की पहली बरसी थी, बीजेपी के हो या आरजेडी के हो, तमाम बड़े नेता जो है वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन जदयू के जो है नीतीश कुमार तो नहीं पहुँचे हुए थे, लेकिन जदयू के एक अजना सा नेता भी कोई नहीं पहुँचा हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, कल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली बरसी थी। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जन जन के नेता रहे हैं, वो उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जितना कार्य किया है उसको बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है। और हम सब जानते हैं कि कल चिराग पासवान जी ने पर्सनली जाकर के नीतीश जी को इस बरखी के लिए निमंत्रण भी दिया था। और मुझे लगता है कि कोई भी दल हो, चाहे किसी भी दल से, और एक एक नेता ने कल जाकर के वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किया है सिवाय नीतीश जी के, तो मुझे लगता है कल का वो दिन था कि इस तरह के मतभेद भुला करके जाकर के उन्हें भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए था। नीतीश कुमार तो नहीं गए, लेकिन जदयू का कोई भी एक छोटा सा छोटा नेता भी वहाँ नहीं पहुँचा। वही तो मैं कह रही हूँ कि जदयू के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे अन्य किसी भी दल के, मुझे लगता है कि सब लोगों ने वहाँ पे जाने का काम किया है। और चूंकि रामविलास पासवान जी जो हैं वो आज के नहीं, वो उनके दौर के नेता रहे हैं, एक मित्रवत व्यवहार और एक मित्रवत रिश्ता रहा है, सब के सब ने जेपी आंदोलन से अपनी शुरुआत की, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, सब लोग एक ही संघ जो है ना आंदोलन से निकले हुए नेता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी अपना मनभेद दूर करके, क्योंकि ये बात चिराग पासवान जी की नहीं थी, ये बात स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी, तो ये नीतीश कुमार जी ने अपना चरित्र चित्रण दिया है और एक मुझे लगता है कि गलत मैसेज लोगों के बीच में गया है। बावजूद इसके आज हम सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी के ही नेता जो है मंत्री जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चिराग पासवान जी कल भी एनडीए के हिस्सा थे, आज भी एनडीए का हिस्सा है। तो मुझे समझ में नहीं आता है बीजेपी को कि बीजेपी जो है वो एनडीए को भी गुमराह कर रही है, और साथ ही साथ वो चिराग पासवान यानी कि अब फर्स्ट एलजेपी कहूँ या सेकंड एलजेपी कहूँ, मैं उस पर नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान जी को गुमराह कर रही है। अगर वाकई में बीजेपी का संबंध या अभी भी वो उनको एनडीए का हिस्सा मानते हैं, तो भाई खुले दिल से क्यों नहीं आप खुले रूप से इसको स्वीकार करते हैं, ताकि नीतीश जी के भी मन में जो शंका है वो शंका भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ बिहार के लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है या नहीं है, तो एक दो ऐसे छुटपैये लोग निकल के आके बोल दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें बकायदा उनको तमाम लोगों के, उनके जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनको एक पीसी करके सार्वजनिक रूप से इसका एक औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए, और बिहार की जनता के साथ साथ नीतीश जी को भी बता देना चाहिए कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और हम ऐसे नहीं बोला करते थे कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बी टीम की तरह चिराग पासवान जी ने काम किया था। क्या लगता है मैम, जो एनडीए में फिलहाल जो है सब कुछ ऑल वेल नहीं है, मतभेद चल रही है जदयू और बीजेपी में, कहीं ना कहीं क्या लगता है? एनडीए में कुछ भी शुरू से अच्छा नहीं है। आप जब से इन्होंने सरकार बनाया है, जिन वादों को लेके, जिन एजेंडों को लेकर के ये बिहार की जनता के बीच में गए थे, क्या किसी एजेंडे को, किसी वादे को ये पूरा कर पाया? आज बीजेपी के मंत्री जो है वो जेडीयू के मंत्रियों पे दोषारोपण करते हैं, उनपे बता रहे हैं कि वो भाई षड्यंत्र कर रहे हैं, उनमें कई तरह के कमियां वो ढूंढ रहे हैं। आज एनडीए के उनके जो जेडीयू के लोग हैं, आज वो बीजेपी के नेताओं पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग, तो ये तो कहीं दिखा नहीं रहा है कि उनके बीच में, ऊपर से 4 बैसाखियों पे चल रही ये सरकार जो है,
इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जो है अस्थाई नहीं है, ये कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि जब आपसी सामंजस्य सही ना हो तो सरकार 5 साल तक सुचारू रूप से चलाना बहुत ही असंभव बात है, जो वर्तमान सरकार में ये कमियां दिखाई देती है। प्रतिमा की एक बात चल रही है, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राजद चाहे तो रघुवंश बाबू की प्रतिमा अपने कार्यालय में लगा सकती है। देखिए बीजेपी जो है ना, हम सब देख रहे हैं कि उनका एक जो ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण मैं कहूँ, जगहों का नाम बदलने का प्रचलन जो उन्होंने शुरुआत किया, इलाहाबाद से हो, मुगलसराय से हो, शिमला तक का उन्होंने कोशिश किया नाम बदलने का। तो बीजेपी जो है ना इतनी सत्ता में धूर्त राजनीति करती है कि वो इसी तरह, आपने देखा होगा कि यही एनडीए के लोगों ने विधानसभा चुनाव के टाइम में, उनके एनडीए के नेता और विधायकों ने विधानसभा चुनाव में रघुवंश बाबू को कितना उनके प्रचार किया, उन्होंने दुष्प्रचार किया, उनका लाभ लेना चाहा। लेकिन क्या आज जब प्रतिमा स्थापित करने की बात महागठबंधन आरजेडी कर रही है तो उन्हें तकलीफ पहुंच रही है? क्या आप मान सकते हैं कि रामविलास पासवान के जनजन के नेता नहीं थे, रघुवंश बाबू के जनजन के नेता नहीं थे? क्या इनकार कर सकते हैं वो उनकी राजनीतिक और सामाजिक योगदान से? क्या वो मुंह फेर सकते हैं? हरगिज नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान हो चाहे स्वर्गीय हमारे रघुवंश प्रसाद बाबू हो, उन्होंने, उनका जो योगदान रहा है राजनीति में और सामाजिक में, उससे इनकार बिहार की जनता नहीं करती, तो ना ही ये बीजेपी और जेडीयू के लोग कर सकते हैं। कल एक तस्वीर निकल कर आई थी मैम, जब चिराग और तेजस्वी जो है गले मिल रहे थे, गले तो मिल लिए, क्या दिल भी मिल जाएगा बहुत जल्द? देखिए पहले भी इस बात को चिराग जी ने भी डिक्लेयर किया है और स्वयं तेजस्वी जी ने भी डिक्लेयर किया है कि कल का जो एक कार्यक्रम था वो स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरखी का कार्यक्रम था, वहाँ पे उसको राजनीति रंग देने की कोशिश ना की जाए। रही बात गठबंधन की जुड़ने और तुड़ने की, तो वो भविष्य की बात है, वो कब क्या होगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। और ऐसी कई गठबंधन बनी हैं और टूटी हैं, 2015 में नीतीश जी हमारे महागठबंधन के हिस्सा थे, उसके बाद वो छोड़ करके बीजेपी का नाम उन्होंने थाम लिया, तो इस तरह की जो कहते हैं समीकरण बनते और बिगड़ते रहे, तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक फ्रेम में चिराग तेजस्वी दिखाई दिए थे, लगातार बिहार की जनता उनकी सराहा था और लगातार उनकी मांग भी है कि चिराग तेजस्वी अगर एक साथ आते हैं तो कहीं नहीं बिहार के लिए बेहतर होगा, तो क्या भविष्य में यहाँ चिराग तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं? देखिए यादव ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि लाल यादव चाहते हैं, तो वो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए हम सब जानते हैं कि जब जब स्वर्गीय रामविलास पासवान पे संकट आई है, अगर कोई मदद के लिए खड़ा रहा है तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, और इसी बार मार्फत उन्होंने उनको राज्यसभा में पहुंचाने का भी काम किया था। और अभी भी जबकि तमाम लोगों ने चिराग जी का साथ छोड़ा, तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने हमेशा ही उनका साथ देने का काम किया और वो खड़े रहे हर तरीके से, उन्होंने उनके साथ खड़े रहने का काम किया। तो अब जब बात आती है इस तरह की, तो हम सब जानते हैं कि चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे तेजस्वी यादव जी, दोनों के दोनों एक यूथ आइकन है, बिहार के जनता, बिहार के लोग जो हैं उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार और समर्थन दिया है। तो अगर भविष्य में इस तरह की कोई समीकरण बनती है तो ये तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन हाँ बिहार की जनता इसको सराह जरूर रही है और आगे की कयास मुझे लगता है कि इसे हम छोड़ दें अगर शीर्ष नेतृत्व पे तो बेहतर होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दोनों को ही बिहार की जनता पसंद करती है।